गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम शुरू करेंगे देखिए इससे पहले आपने रेस्पिरेशन मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो फिजियोलॉजी में कंप्लीट कर लिया है फिजियोलॉजी में ऑल फाइव चैप्टर्स जो हैं आउट ऑफ फाइव इस बार के एग्जाम में नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में नाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम ई चैप्टर तो ये थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करने का है इसके अलावा कंसेप्चुअल है वैसे भी इंटरेस्टिंग है तो देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या है ठीक है फोटोसिंथेसिस आप ये कहेंगे एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिकोकेमिकल प्रोसेस अब स्टूडेंट्स केमिकल इसको क्यों कहा गया है केमिकल प्रोसेस ठीक है फिजिकोकेमिकल प्रोसेस इसको कहा गया है या फिर इसको आप कह सकते हैं फोटो बायोकेमिकल फोटो बायो केमिकल प्रोसेस तो क्या फोटोकेमिकल फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस और फिजिकोकेमिकल प्रोसेस क्या है इनको हम ब्रीफ करेंगे यहां ठीक है होता क्या है इनमें तो देखिए प्लांट का मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है हायर प्लांट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप इजीली कह सकते हैं लीव्स हालांकि मोस्ट ऑफ जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑर्गन होता है ये जो लीव्स हैं ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती हैं फोटोन एनर्जी और जो फोटोन एनर्जी है वो लीव इसलिए ट्रैप करती हैं क्योंकि इन लीव्स में प्रेजेंट हैं पिगमेंट्स इन लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं स्टूडेंट्स उन मीजोफिल सेल्स में फोटो सिस्टम प्रेजेंट हैं एंड दीज फोटो कंटेन द पिगमेंट्स क्लियर लीव्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करती हैं जस्ट आफ्टर ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी तो हम ये कह पा रहे हैं कि जो फोटोन एनर्जी है इस फोटोन एनर्जी को यूज करके यहां क्या बना लिया गया chemical energy and this chemical energy is utilized to produce chemical energy is utilized to produce organic matter to produce organic matter मिकल एनर्जीलाइज टू ऑर्गेनिक मैटर और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स सुगर सब्सटांसेज हैं ये शुगर सब्सट फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं ये शुगर सब्सट फोटो सिंथेटिक प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो जो फोटोन एनर्जी है उस फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का प्रोसेस फोटोसिंथसिस है उस केमिकल एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर लिया जाता है तो स्टूडेंट्स ये केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस अभी आप फेज आप देख सकते हैं फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मैं फर्स्ट फेज कह सकता हूँ फोटोसिंथेसिस का और इस केमिकल एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर जो बनाने का प्रोसेस है इसको मैं सेकंड फेज कह सकता हूं तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू स्पेसिफिक फेजेस फर्स्ट वन इज द फोटोकेमिकल फेज एंड सेकंड वन इज द बायोसिंथेटिक फेज क्लियर द स्टूडेंट्स ये जो सेकंड वन है इसको हम कहेंगे इट इज द बायो सिंथेटिक फेज ठीक है और फर्स्ट जो है इसको मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूं फोटो केमिकल फेज फोटो केमिकल फेज क्लियर देखो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस की गई केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आपको पता है क्या जनरेट किया जाता है एटीपी एंड दैट एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर एंजाइमेटिक एक्शन और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए और इसके अलावा एसिमिलेटरी पावर यहां जो है वो बनता है एन तो एन और ए यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए सुगर सब्सट को प्रोड्यूस करने के लिए अब इधर आइए देखिए ये कह रहा है फिजिकोकेमिकल प्रोसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ठीक है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में वैसे अगर देखा जाए तो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करना या फोटोन एनर्जी को ट्रैप करना फिजिकल प्रोसेस है इस फिजिकल प्रोसेस के बाद यहां बायोकेमिकल प्रोसेस है तो स्टूडेंट्स ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसको कहा गया फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कह दिया गया आप कहते हैं लिविंग रेफरेंस है लीव, प्लांट जो है वो लिविंग रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन प्लांट्स के थ्रू लाइट एनर्जी को सोलर रेडिएशन को ट्रैप किया गया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया ठीक है साथ ही स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे दिस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज बेसिकली द एनाबॉलिक प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है लेकिन ओवरऑल उसको आप एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं एम्पीबॉलिक आप उसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि वहां जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन इंटरमीडिएट्स का भी यूज जो है वो डिफरेंट टाइप टाइप ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे में होता है ये स्टूडेंट्स एनाबोलिक प्रोसेस है एनाबोलिक प्रोसेस ऑन द ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सुगर सब्सटेंसेज। क्लियर इसके अलावा ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा या एंड्रोगोनिक ये आपको देखना चाहिए एक्सर्गोनिक और एंड्रोगोनिक प्रोसेस आपको ये क्लियर होना चाहिए तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये है एंड्रोगिक प्रोसेस नो एक्जोनिक प्रोसेस इज दिस ठीक है इसके बाद आप ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो एक्टिविटी है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक बाय यूजिंग लाइट एनर्जी और आप ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। तो यहां मैं लिख रहा हूं देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस बायो ऑर्गेनिक मैटर बायो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल स्टूडेंट्स रॉ मटीरियल क्या है सीओ टू च टू ओ ठीक है इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशंस तो सोलर रेडिएशन या लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में आपने कहा इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल को यूज करते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है ऑर्गेनिक रामटीरियल्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक राम को यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर का बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस कहा जा रहा है क्लियर तो यहां से आप ये देखें सीओ टू जो है इसका फिक्सेशन हो रहा है सीओ टू फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है सीओ टू एसिमिलेशन का प्रोसेस हो रहा है फिक्सेशन और आपको वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे ऐसीमेशन ऑफ सीओ टू इज देर ठीक है और अगर आप देखें तो जो एच टू ओ है दिस एच टू ओ यूज एज हाइड्रोजन डोनर ये स्टूडेंट हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट है ये भी तो जहां हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में एच टू ओ यूज किया जाएगा ऑब्वियस है हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में एच टू ओ के यूज होने पर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है O2 इवॉल्व ठीक है और ऑक्सीजन अगर इवॉल्व होती है तो है ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है ये कहा जाएगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी O2 इवॉल्विंग या ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस और ओटू इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स इसको कहा जाएगा और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसके कारण ही नेचर में ऑक्सीजनिक एनवायरमेंट क्रिएट होता है तो जहां H2O टू एज ए रेस्पायरेटरी सॉरी जहां H2O टू एज ए हाइड्रोजन डोनर एच टू एज ए हाइड्रोजन डोनर यूज होगा वहां ऑक्सीजन इवॉल्व होगी और अगर हाइड्रोजन डोनर एच टू ओ की जगह जैसे कंडीशन में लिखता हूं इफ हाइड्रोजन डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एच टू एस तो स्टूडेंट्स एच टू एस हाइड्रोजन डोनर अगर है तो ये आप ये कह सकते हैं नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो जाएगा नॉन ऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ठीक है ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी जिसमें हाइड्रोजन डोनर जो है इंस्टीड ऑफ एच टू हमने क्या लिया एच टू एस और बाय प्रोडक्ट यहां ऑक्सीजन के बजाय क्या होगा बाय प्रोडक्ट यहां बाय प्रोडक्ट आपने कहा था ऑक्सीजन है यहां इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होगा सल्फर और सल्फेट कंपाउंड्स सल्फेट कंपाउंड्स तो ये स्टूडेंट्स हम कह पाएंगे ये जो एक्टिविटी है जिसमें हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2S यूज किया जा रहा है ये होती है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पर्पल बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये दोनों आपको एग्जाम्पल एनसीआर में दे रखे हैं वॉन नील का एक्सपेरिमेंटल बेसिस दे रखा है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो यहां देखिए ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है उसमें प्लांट के फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के थ्रू जो सोलर रेडिएशन और फोटोन एनर्जी है उसको ट्रैप किया जाता है वहां ट्रैप करने के लिए पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है फोटो सिस्टम प्रेजेंट है सोलर रेडिएशन एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग दैट सोलर रेडिएशन दे प्रोड्यूस द केमिकल एनर्जी स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ ए एंड दैट ए टी पी इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन और और द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वो जो ऑर्गेनिक मैटर है शुगर सबस्टांसिज है क्लियर तो देखिए इसी के बिहार पे मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज यहीं कर दिया इनिशियली है सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके सिर्फ केमिकल एनर्जी बनाई जा रही है और सेकंड आप ये कह सकते हैं स्टेप जो है उसमें उस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है ठीक है तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का क्या हुआ ऑर्गेनिक मैटर या सुगर है लेकिन यहां जो फोटोन एनर्जी को यूज करके जब केमिकल एनर्जी बनाई जाती है तो आपने ये कहा इस प्रोसेस में हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में जो है वो एच को यूज किया जाता है तो फोटोकेमिकल फेज में आप ये कह सकते हैं एच टू ओ यूज एज हाइड्रोजन डोनर यूज एज हाइड्रोजन डोनर अब H2O हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज किया जाएगा तो इस फोटोकेमिकल फेज में ही बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बाय प्रोडक्ट आप कहेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन यहां बाय प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन क्लियर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां फॉर्मेशन में आ जाएगा तो फर्स्ट फोटोकेमिकल फेज में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन आता है जबकि अल्टरनेटिव अल्टीमेटली लास्ट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आते हैं सुगर सबस्टांसिज और ये जो है वो बायोसिंथेटिक फेज में प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ऑप्टेन होते हैं क्लियर अब स्टूडेंट्स बेसिक थीम आपने डिस्कस कर लिए हम यहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स को पहले स्टडी करेंगे कि, कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करनी है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड जस्ट आफ्टर रिक्वायरमेंट आपको यहां डिस्कस करना है प्लांट की फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक क्लियर हाँ जी तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो है उसके रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस करें फोटो सिंथेसिस रिक्वायरमेंट डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं यहां इसका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं आप कह रहे हैं सीओ टू का फिक्सेशन प्रोसेस होता है एच टू ओ जो है वो स्टूडेंट्स एज ए हाइड्रोजन डोनर यूज होता है लेकिन आप ध्यान रखें ये हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज होगा फोटोकेमिकल फेज में इसका फिक्सेशन होगा बायोसिंथेटिक फेज में और फाइनली प्रोडक्ट आपके पास आता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज इसके अलावा सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू क्लियर तो यहां से एक बात देखिए ऑक्सीजन यहां इवॉल्व हो रही है प्रोसेस से ये ऑक्सीजन आप इवॉल्व करवा रहे हैं फोटोकेमिकल फेज में इवॉल्व हो जाती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में फोटोकेमिकल फेज से ही यूटिलाइज होता है तो एक पहली कनेक्टिविटी मैं यहां कर देता हूं इन दोनों के साथ ये आप क्लियर रखें आगे रूबेन और कॉवेन का एक, एक, एक एक्सपेरिमेंट है वो आपको दिया गया है और वो ये क्लियर करता है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में रिलीज्ड ऑक्सीजन जो होता है दट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एच टू ओ ठीक है तो यहां देखिए क्या हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन एनर्जी ये एक्टिविटी परफॉर्म करवा ली गई ठीक है यहां जो सीओ टू है इस सीओ टू का फिक्सेशन यह स्टूडेंट्स होता है एसीम्युलेशन और इसके फिक्सेशन और एसीम्युलेशन से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज ठीक है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का भी फाइनल प्रोडक्ट होता है तो ये जो ग्लूकोज है ये आप ये कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट है सुगर सब्सटेंस अब देखिए इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के रिक्वायरमेंट्स क्या है कौन से एपरेटर्स और कौन से पर्टिकुलर सब्सटेंसेज जिसके रिक्वायरमेंट होंगे तो रिक्वायरमेंट्स में आप देखिए सबसे पहले फोटोसिंथेटिक साइट फोटोसिंथेसिस होगा तो आपने कहा लीव्स में होता है, है, है. लीव्स exactly फोटोसिंथेटिक लिख रहा हूं साइट फॉर फोटोसिंथेसिस और साइट फॉर फोटोसिंथेसिस में मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट को स्टूडेंट आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट क्लियर आप जानते हैं द क्लोरोप्लास्ट ज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल ऑफ प्लांट उसके बाद लाइट तो आप ये कहेंगे लाइट हम जो है सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं इन सोलर रेडिएशंस को ट्रैप किया जाता है सोलर रेडिएशन इन सोलर रेडिएशंस को स्टूडेंट्स ट्रैप किया जाता है और इनको यूटिलाइज करके यूज करके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है यहां आपको स्टूडेंट्स स्टडी करना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाएगा ये आपको विजिबल लाइट जो है उसको इंडिकेट करता है जो आप पढ़ते हैं 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर साइट हुआ उसके बाद लाइट हुआ देन थर्ड रिक्वायरमेंट आप ये कहेंगे यहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए आपको हाइड्रोजन डोनर के रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन डोनर क्लियर अब हाइड्रोजन डोनर जो है स्टूडेंट्स इसी के बिहा पे इनिशियली मैं ब्रीफ कर चुका हूं आप कहेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर है तो यहां हाइड्रोजन डोनर एग्जैक्टली होगा एच टू और अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अगर है अनऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी है इस केस में आपके पास हाइड्रोजन डोनर है H2S ठीक है ये आपने क्लियर किया है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में H2O एज ए हाइड्रोजन डोनर यूज होता है तो जो बाय प्रोडक्ट होगा ये बाय प्रोडक्ट स्टूडेंट्स यहां होगा ऑक्सीजन वो टू इवॉल्व होता है और अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में आप ये कह सकते हैं यहां बाई प्रोडक्ट होगा सल्फर या सल्फेट कंपाउंड्स ये बाई प्रोडक्ट्स यहां से यूज होंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की एग्जांपल अगर आप लिखें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स और साथ में मेंशन कर सकते हैं आप साइनो बैक्टीरिया क्लियर और इधर अनऑक्सीजनिक एक्टिविटी में एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और उसके अलावा स्टूडेंट्स कहा जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तो ये अल्टीमेटली आपके पास हाइड्रोजन डोनर है ठीक है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है उसका उसकी रिक्वायरमेंट हम यहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसके बाद देखिए इस सोलर रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पिगमेंट्स इनको आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहेंगे पिगमेंट्स या स्टूडेंट्स में इनको कह सकता हूं फोटो सिंथेटिक सॉरी पिगमेंट्स और जो फोटो सिंथेटिक हैं दे विल प्रेजेंट इन द फोटो सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम्स वो फोटो सिस्टम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स कंटेन क्या कंटेंट करते हैं मेन पिगमेंट आप ध्यान रखें क्लोरोफिल क्लोरोफिल कैरेटिनॉइड्स तो ये हायर प्लांट्स के केस में स्टूडेंट्स और इसके अलावा एक पिगमेंट फाइकोबिलिन हम लिखते हैं जो बेसिकली बीजीए में और रेड एलगी में प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलियंस सो थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ द पिगमेंट्स आर देयर तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है जिसके रिक्वायरमेंट्स आपने कहा साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट देन द लाइट सोलर रेडिएशन जो प्लांट ट्रैप करता है उसके लिए आपको विजिबल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना है उसके बाद आप कह रहे हैं हाइड्रोजन डोनर यहां होगा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में हमने कहा एच है अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में आपके पास हाइड्रोजन डोनर एच है तो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एच हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज होता है

साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है ये आप पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ठीक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसमें या फर्स्ट को लिख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आप कहिए फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ठीक है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है ये सेमी ऑटोनोमसलन होने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में फाउंड इन मीजोफिल सेल्स अब देखिए लीव के मीजोफिल सेल्स में मीजोफिल सेल्स कहां की हैं ये मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स अब ये जो मीजोफिल सेल्स है स्टूडेंट्स ये मीजोफिल सेल्स एक्जेक्टली exactly, आप एक बात ध्यान रखें एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट को होल्ड करती हैं ठीक है थीके? तो मैं ये कह सकता हूं इन मीजोफिल सेल्स विल बी द मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट एनसीआरटी ने भी आपको मेंशन करके दिया है देर विल बी द मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट लेकिन अगर आप देखें क्लेमाइडोमोनास में तो ये आप कहेंगे वन ऑनली क्लेमाइडोमोनास जो है यूनिसलो एल्गा है लेकिन वहां जो नंबर है क्लोरोप्लास का वो भी वन ही होगा बीजोफिल सेल्स में ये आप कह सकते हैं ट्वेंटी टू फोर्टी सॉरी वन टू ट्वेंटी एनसीआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं या ट्वेंटी टू फोर्टी आप मेंशन कर सकते हैं कोई बड़ा इश्यू नहीं है टू ट्वेंटी हो सकते हैं ट्वेंटी टू फोर्टी हो सकते हैं वन टू ट्वेंटी का मतलब जैसे से लेकर मीजोफिल सेल्स को हम देखें तो बीस तीस तक क्लोरोप्लास्मा प्रेजेंट होते हैं और क्लेमाइडोमोनास क्लाइमाइडोमोनास में आप कहेंगे वन पर सेल ठीक है प्रेजेंट होता है क्लेमाइडोमोनास अपने आप में एक ही सेल होता है फिर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है तो आप ये कह सकते हैं ये है बाय क्लियर? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर यह स्टूडेंट्स होता है ठीक है इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यहां प्रेजेंट होती है तो देखिए इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू इसको समझते हैं हम ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेनस सिस्टम शो करता है स्टूडेंट्स बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल यूकेरियोटिक प्लांट सेल्स का ये है और इसमें अगर आप देखें तो इस तरीके से स्टैक्स ऑफ ग्रेना थाइलेकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं ठीक है देर विल बी द स्टैक्स ऑफ ग्रेना थाइलेकॉर्ड ये स्टेक्स ऑफ ब्रेना प्रेजेंट होते हैं दे आर इंटर कनेक्टेड दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विज द स्ट्रोमा लेमिली और फ्रेट लेमिला इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही ये जो है वो कनेक्ट करते हैं ये जुड़े रहते हैं ठीक है तो एक तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ये कंप्लीटली कहा जाएगा थाइलेकॉर्ड ग्रेना थाइलेकॉर्ड ग्रेना सेल बायोलॉजी में आप डिटेल पढ़ के आए हैं यहां इनको आप कह सकते हैं स्ट्रोमा लेमिली और फ्रेट लेमिली फ्रेट लेमिला ठीक है ये स्टूडेंट्स स्ट्रोमा मैट्रिक्स इसका कहा जाएगा जिसमें कार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड एंजाइम रुबिस्को की प्रेजेंस होती है दिस विल बी द स्ट्रोमा मैट्रिक्स स्ट्रोमा मैट्रिक्स ठीक है देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल में इसका अपना जीनोमिक कंटेंट डीएसडीएनए प्रेजेंट होगा डीएसडीएन ए सर्क्यूलर डीएसडीएन ए प्रेजेंट होता है ठीक है सिंगल सर्क्यूलर डीएसडीएन ए राइबोसोम्स की यहां प्रेजेंस होती है स्टूडेंट्स सेवेंटी एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स यहां प्रेजेंट होते हैं सेवेंटी एस सो डीएनए की प्रेजेंस और राइबोसोम्स की प्रेजेंस के बिहापे ही आपने इसको सेमी ऑर्गेनल कहा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन इट्स फर्स्ट ऑन genome इसका अपना जीनोम है इसके पास ठीक है ए और सेकंड आप कह सकते हैं ऑन प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के फॉर्म में एस राइबोसोम्स हैं स्टूडेंट्स और इसका अपना जीनोम है जो आपने कहा डीएस डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है अब देखिए यहां हमें स्पेसिफिकली पिगमेंट सिस्टम्स और फोटोसिस्टम्स को ऑब्जर्व करना है तो आप ये कह सकते हैं ये जो थायलाकोइड ग्रेना है इस पर इस तरीके से पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है थायलाकोइड मेम्ब्रेन पर पीएस फर्स्ट की प्रेजेंस यहां होगी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ अगर आप देखें इसमें पी एस सेकेंड की प्रेजेंस इस प्रकार से इस टाइप से होती है तो ये देखिए आप कहेंगे ये है पी एस सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड और जो रेड से मैंने इंडिकेट किया है ये है पी एस फर्स्ट ठीक है तो देखो एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड रीजन ये शो करता है आप कह रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट ठीक है अब यहां ये जो ग्रेना थाइलेक्ड है इन ग्रेना थाइलेक्ट का स्टूडेंट्स ये है एप्रेस्ड रीजन और ये स्टूडेंट्स है नॉन एपरेज रीजन एपरेज रीजन और नॉन एपरेज रीजन जो नॉन एफरेज रीजन है उस तरफ आपने कहा ये सर्कल मैंने बनाया है पीएस फर्स्ट और जो एपरेज रीजन है उस तरफ आपने कहा बॉक्सेज की प्रेजेंस है ये जो बॉक्सेज हैं ये हैं पीएस सेकंड

और एंजाइम की बात अगर आप करें तो स्टूडेंट्स मोस्ट अबेंडेंट जो रूबिस्को एंजाइम है इस स्ट्रोमा मैट्रिक्स में रूबिस्को एंजाइम यहां प्रेजेंट होगा क्योंकि देखिए जो ग्रेना इसका है दैट इज द साइट फॉर द बायोकेमिकल फोटोसिंथेटिक फेज जो फोटोकेमिकल फेज है लाइट रिएक्शन है दिस इज द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन आप कह रहे हैं यहां था ग्रेना पर होती है जबकि जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है इट द साइट फॉर डार्क रिएक्शन आप कहेंगे साइट फॉर डार्क रिएक्शन स्टूडेंट्स डार्क रिएक्शन के लिए ये साइट के फॉर्म में एक्ट करता है स्ट्रोमा जो मैट्रिक्स है उसमें डार्क रिएक्शन होती है और उसी के लिए मैंने एंजाइम लिखा है द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम ऑफ द नेचर दैट इज द रूबिस्को ये सीओ टू फिक्सेशन सीओ टू एसिमलेसन या कार्बोक्सीटिंग एंजैम है

ऑफ़ द मेम्रेन स्टेक्स ने थाइलेकॉर्ड की स्टैक्स ये है तो इसको ग्रेना कहा जाता है सिंगुलर को आप कहेंगे इसमें ग्रेनम सिंगुलर यहां लिख देता हूं ग्रेनम सिंगुलर जो है वह स्टूडेंट्स ये कह दिया जाएगा ग्रेनम ठीक है तो ये लाइट रिएक्शन का साइट है क्योंकि इस पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के फॉर्म में फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं दे कंटेन द पिगमेंट्स सोलर रेडिएशन जो आता है उसको ये पिगमेंट सिस्टम्स और फोटो सिस्टम्स ही ट्रैप करते हैं और उस फोटोन एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं क्लियर है उसके बाद ये देखिए जो स्पेस है इसको आप स्ट्रोमा स्ट्रोमामेट्रिक्स कहते हैं इट इज द साइट फॉर द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एग्जाम में स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो बहुत ईजी भी कई बार पूछा जाता है ये बिल्कुल बेसिक रेफरेंस है साइट फॉर द डार्क स्ट्रोमा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स यहां क्या होगा साइट होगा तो so, इस तरीके से ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक साइट आप पढ़ रहे हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट क्लियर है अब ये जो स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के केस में आपको कुछ और रेफरेंसेज पूछे जाते हैं जैसे स्ट्रोमा लेमिली और फ्रेट लेमिली मैंने यहां मैं तो मतलब कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर नहीं होगा मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफोस्पोरेसन की जो एक्टिविटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली कहा होगी इस ग्रेना पर और जो साइक्लिक फोटोफोस्पोरेसन की

रेफरेंसेज मतलब सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पूछ लिए जाते हैं स्टार्च और लिपिड ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस भी इसमें होती है आप कुछ कह सकते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स लिपिड ग्रेन्यूल्स यहां दोनों ही लिख देता हूं मैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ग्रेन्यूल्स जो है लिपिड ग्रेन्यूल्स स्टूडेंट्स यहां प्रेजेंस होती ठीक है।, है तो ये अल्टीमेटली आपके पास हुआ साइट जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए वो है क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इससे रिलेटेड जो एनसीआरटी के रेफरेंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो आप बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट ठीक है दैट क्लोरोप्लास इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस देखिए यहां सबसे पहले ये कहा गया है इट कंटेन द मेम्ब्रेनस सिस्टम मेम्ब्रेनस सिस्टम दिस क्लोरोप्लास कंटेन मेम्ब्रेनस सिस्टम और ये जो मेमरेनल सिस्टम ये होल्ड करते हैं मेमरेनल सिस्टम ये जो कंटेन करते हैं इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है एक स्टूडेंट है जैसा डायग्राम में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे और दूसरा आप कहेंगे स्ट्रोमा लेमिली ठीक है थाइलेकोड ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली लाइट रिएक्शन का एग्जैक्टली ये स्टूडेंट्स साइट है इनके अलावा जो अदर देन मेम्ब्रेनस पार्ट है वो है स्ट्रोमा मैट्रिक्स इनके अलावा जो पार्ट है उसको स्टूडेंट्स आप कहेंगे स्ट्रोमा मैट्रिक्स वो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है ठीक है स्ट्रोमा मैट्रिक्स आप उसको कह देंगे तो ये तो आपने कहा साइट फॉर द डार्क रिएक्शन डार्क फेज जो होगा उसका साइट है साइट फॉर डार्क रिएक्शन और डार्क फेज और ये लाइट रिएक्शन के फेज है तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है आप कहेंगे देर विल बी द डिवीजन ऑफ लेबर सेल है जो डिवीजन ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करता है इस स्ट्रोमा मैट्रिक्स में लाइट रिएक्शन परफॉर्म करवाई जा रही है क्लियर तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रेफरेंस है क्लोरोप्लास्ट का देखो अगली बात करते हैं इसके अलावा दे रखा है आपको स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी और जो स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टूडेंट्स होंगी डार्क फेज में एंजाइमेटिक रिएक्शंस ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी एंजाइमेटिक रिएक्शंस सीओ टू फिक्सेशन के लिए होती हैं और सीओ टू फिक्सेशन के प्रोसेस में यूटिलाइजेशन किसका होगा यूज और यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ए टीपी एंड एन ए डी पी एच इनका स्टूडेंट यूटिलाइजेशन होता है एटीपी और एनएडीपीएच एच यहां एक्जैक्टली एसी पावर है एटीपी और एनएडीपीएच क्या है सीओ टू एसीमिलेशन के लिए काम आने वाला है तो इसको आप कह सकते हैं ऐसी मिलिट्री uh, पावर ये ऐसी मिलिट्री पावर है ठीक है सीओ टू एसी में ये यूज होती हैं। उसके बाद अगला रेफरेंस देखिए आपको दिया गया है जो फोटोकेमिकल फेज है, ये फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन है ये लाइट ड्राइवन एक्टिविटी है जबकि ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके थ्रू ड्राइव होती है जैसे एटीपी और एनएडीपीएच ठीक है उसके बाद आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट अरेन्ज अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी अरेन्ज अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी और लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इनका अरेंजमेंट कैसे होता है कैसे ये रेस्पॉन्ड करते हैं इसको देखो थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं प्लांट को अगर कम लाइट मिल रही है तो कैसे अरेंजमेंट शो करेंगे प्लांट को लाइट ज्यादा मिल रही है तो कैसे अरेंजमेंट ये शो करेंगे तो अरेंजमेंट्स आपको देखने हैं यहां अरेंजमेंट्स आपको क्लोरोप्लास्ट के देखने हैं अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी ठीक है तो देखिए ये मीजोफिल सेल्स हैं इन कुछ मीजोफिल सेल्स में मैं लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स उसको डिस्कस कर रहा हूं ठीक है यहां देखिए लो लाइट इंटेंसिटी है लो लाइट इंटेंसिटी तो स्टूडेंट्स लो लाइट इंटेंसिटी में जो क्लोरोप्लास्ट हैं उन क्लोरोप्लास्ट का मीजोफिल सेल्स में जो अरेंजमेंट है वो आपको रेंडम मिलेगा ये सब क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाए हैं और आप ये कहेंगे रेंडम अरेंजमेंट ठीक है ये हैं क्लोरोप्लास्ट लेकिन आप लाइट इंटेंसिटी यहां बढ़ा दीजिए अब अगर लाइट इंटेंसिटी आपने बढ़ाई यहां आप ये कहेंगे ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी आते ही स्टूडेंट्स ही जो क्लोरोप्लास्ट हैं, वो पैरेलल अरेंज हो जाएंगे पैरेलल टू द वॉल क्योंकि ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी को रिसीव करके फोटो एक्टिविटी को भी ऑप्टिमम रखना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं दे अरेंज पैरेलल टू द वॉल पैरेलल टू वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है वॉल लेयर का मतलब यहां मेम्ब्रेन Parallel to the sorry सॉरी सेल बॉल wall ऑफ मीजोफिल सेल ठीक है ये मीजोफिल सेल के पैरेलल ये अरेंज हो जाएंगे इसके बाद लाइट इंटेंसिटी हाई कर दीजिए आप यहां स्टूडेंट्स आप कहेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी और लाइट इंटेंसिटी हाई अगर है इस कंडीशन में आप कहेंगे ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनका अरेंजमेंट इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक है लॉगिट्यूडिनली इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी ये एक तरीके से इंट्रा सेलूलर मूवमेंट का रेफरेंस भी है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इंट्रा सेलुलर मूवमेंट को ये इंडिकेट करता है इंट्रा सेलुलर मूवमेंट में देखिए क्या इंडिकेट ये कर रहा है इंट्रा सेलुलर मूवमेंट में आप कह सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एनसीआरटी ने आपको एग्जांपल दे रखा है ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण हाइड्रिला की लीफ में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट ऐसे लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हो जाता है साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और स्ट्रीमिंग आप जानते हैं एक्टिव प्रोसेस है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स काउंट किया जाता है तो देखिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है फोटोसिंथेसिस क्या है उसका आपने बेसिक रेफरेंस डिस्कस किया बेसिक रेफरेंसिस के साथ साथ इंट्रोडक्टरी कंटेंट के साथ साथ आपने उसके रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया उसके इक्वेशन को स्टडी किया और रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस और द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसमें आप सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं जो मेम्ब्रेनस सिस्टम को होल्ड करता है यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया है एनसीईआरटी में हमने डिस्कस कर लिया है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल में अरेंज होते हैं ये मीजोफिल सेल्स आप देख रहे हैं मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट देख रहे हैं और जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रोमा मैट्रिक्स में और जो ग्रेना है उन पे अलग अलग जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उस पर और जो नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम है उस पर रेस्पेक्टिवली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की है उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्लियर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट जो कि फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट है फोटोन एनर्जी के फॉर्म में सोलर रेडिएशंस को प्लांट्स ट्रैप करते हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन डोनर जो सीओ टू में में फिक्सेशन में यूज की जाती है मतलब जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे एन्जॉय द फिजियोलॉजी थैंक यू